हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्टफ लच्छा पराठा। इसे लच्छा पराठा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी रेसिपी फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप आटा लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद 3 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल ऐड किया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे आटा रेडी हो गया है, स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए थे, बॉईल करके उसको मैश कर लिया। उसके बाद 1 अनियन चॉप करके यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून आमचूर पाउडर ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग रेडी हो गई है। पराठा बनाने के लिए एक छोटा सा पीस आटे का लिया है, उसको रोल कर लिया है अच्छे से। उसके बाद हम इसे बेलन की हेल्प से बेलना स्टार्ट कर देंगे। ये जो शीट हम बना रहे हैं ये हम बहुत पतली नहीं रखेंगे, अदरवाइज बाद में रोल करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसे हम थोड़ा सा थिक ही रखेंगे। शीट को हमने बेल लिया है, उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पर घी शीट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर घी हमने लगा लिया है। अब हम 1.5 टेबल स्पून स्टफिंग लेंगे, उसको पूरी शीट के ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर जो स्टफिंग है वो स्प्रेड हो गई है। अब हम एक साइड से कॉर्नर से इसको रोल करना शुरू करेंगे। रोल करते हुए हमें इसे टाइट ही रखना है, अदरवाइज बेलने में प्रॉब्लम होगी। इसे हमने इस तरह से रोल कर लिया है। इस तरह से रोल करते हुए हम इसे दोबारा से स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर हमने इसे स्ट्रेच कर लिया है। अब साइड से हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे और दोबारा से इसे रोल कर देंगे। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। उसके बाद इसे प्रेस करते हुए थोड़ा सा आटा हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। आटा हमने स्प्रिंकल कर लिया है, हाथ से ही प्रेस करते हुए हमें इसे बेलना है। इसे हम इसलिए इस तरह से कर रहे हैं जिससे जो हमारा पराठा है और स्टफिंग है वो शेप में आ जाए। उसके बाद बेलन की हेल्प से हम इसे बेलेंगे। पराठा हमारा यहाँ पर बेल गया है। उसके बाद हम एक तवा गरम करेंगे, फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और जो हमारा पराठा की शीट है वो इसके ऊपर डाल देंगे। 30 सेकंड्स के लिए हम इसे इसी तरह से कुक करेंगे, उसके बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे। जैसे ही हमारा पराठा थोड़ा कुक हो जाएगा, उसके बाद हम इसके कॉर्नर्स पे ऑयल डाल देंगे। पराठा दूसरी तरफ से भी कुक हो गया है, हम इसे टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे। इसी तरह से हमें इसे फ्लिप करते हुए कुक करना है। सो हम इसे लच्छा पराठा क्यों बोलते हैं, मैं अभी आपको इसकी लेयर्स ओपन करके दिखाऊंगी। एज यू कैन सी, इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स में ओपन हो जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा रेडी हो गया है, बहुत यमी लग रहा है, प्लेटिंग कर लेते हैं। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।